वेलकम बैक इन आवर चैनल एजुकेशन हैब। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन फिर से। यह एक करंट नोटिस अपडेट है अभी का, आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम के जितने भी छात्र हैं छात्राएं हैं उनके लिए अपडेट, लेटेस्ट अपडेट है। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड जल्द जाने, किसे मिलेगा फ्री ट्रेवल पास। इस पे दो चीज है, एडमिट कार्ड आपका जल्द से जल्द आएगा और किसे मिलेगा इसमें फ्री ट्रेवल पास, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मेरी एक कोशिश होती है कि जैसे भी जो अपडेट आए आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूं, और कुछ नहीं है। लोगों का बहुत सारा कमेंट भी था कि इस पे वीडियो बनाने के लिए, इस कारण से मैं ये वीडियो डाल रहा हूं। ओके, तो ये आपके आज का है, देख ले, ये 22 मई 2020 5:43 का अपडेट है। तो क्या है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम डेट 2020 लेटेस्ट अपडेट, आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड जल्द जाने, किसे मिलेगा फ्री ट्रेवल पास। ओके, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम डेट एडमिट कार्ड 2020 लेटेस्ट न्यूज अपडेट है ये। बोर्ड फिलहाल एक परीक्षा संचालक एजेंसी की तलाश में है, जैसे ही वो मिलेगी तुरंत वो स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के एग्जामिनेशन जो भी ऑनलाइन है। तो फिलहाल वो क्या तलाश कर रही है, तो एक एजेंसी को तलाश में है जो भर्ती के पहले चरण की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करा सके, ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करा सके। एजेंसी के नाम पर मुहर लगते ही परीक्षा की डेट भी जारी कर दी जाएगी तथा एडमिट कार्ड और फ्री ट्रेवल पास भी दिया जाएगा। ओके, तो अब जो है आप लोग अपने प्रिपरेशन को जोड़ दें। लॉकडाउन का समय भी आप तो देख रहे हैं अभी हमारा देश किस परिस्थिति से जूझ रहा है, तो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। रिजल्ट या एग्जामिनेशन जल्द से जल्द होंगी, क्योंकि जैसे ही ट्रैक पर सवार रही है अब एग्जाम होने की संभावना बढ़ गई है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम डेट एडमिट कार्ड, रेलवे एनटीपीसी तथा ग्रुप डी पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों का इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है। एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित इन भर्तियों के पहले चरण की ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए बोर्ड जल्द फैसला लेने जा रहा है। तो समझ गए बात को, जल्द से जल्द फैसला लेने जा रहा है। बता दें कि अप्रैल माह में बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी कर रहा था, मगर कोरोना महामारी के कारण देश में, तो आप देख रहे हैं कोरोना महामारी के कारण क्या हो गया है, देश भर में लागू लॉकडाउन के चलते परीक्षा की डेट तथा एडमिट कार्ड जारी नहीं की जा सकी। देश में फिलहाल 31 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू है। ओके, तो ये अभी का करंट न्यूज है कि अब आपका एग्जाम जल्द से जल्द होगा। एक और न्यूज देख ले, अब बोर्ड लॉकडाउन खत्म होते ही परीक्षा आयोजित करने की तैयारी में लग जाएगा, यानी कि 31 के बाद आपको टाइम ज्यादा नहीं मिलने जा रही है, इसलिए अपने तैयारी को एकदम मजबूत करें। बोर्ड फिलहाल एक परीक्षा संचालक को खोज रही है, इस कारण से क्या हो रही है, थोड़ा सा विलंब हो रही है, तलाश में है जो भर्ती के पहले चरण की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करा सके। एजेंसी के नाम पर मुहर लगते ही परीक्षा की डेट भी जारी कर दी जाएगी तथा एडमिट कार्ड और फ्री ट्रेवल पास भी। एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को सलाह है कि वे सीबीटी फर्स्ट के संबंध में किसी भी अनाधिकृत स्रोत से प्राप्त जानकारी पर भरोसा न करें तथा जरूरी अपडेट्स पे ध्यान दें। ओके, अब सीबीटी क्या है तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, ये न्यूज है 21 मई की, 9:21 की है ये न्यूज। ओके, इसमें क्या है, आरआरबी 2020 लेटेस्ट अपडेट, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एडमिट कार्ड जल्द, ये है रेलवे की रीजनल वेबसाइट की लिस्ट। ओके, इसमें क्या है, इन पदों पर 1 करोड़ से ज्यादा कैंडिडेट ने आवेदन भी किया है,
अब इन्हें अपने एडमिट कार्ड के आने का इंतजार है। एडमिट कार्ड जारी होते ही साफ हो जाएगा कि एग्जाम कब होना है। अब देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पिछले साल एनटीपीसी नन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के तहत 35,000 से ज्यादा पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे थे। इन पदों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा कैंडिडेट्स ने आवेदन भी किया। अब इन्हें अपने एडमिट कार्ड के लिए कार्ड के आने का इंतजार है। एडमिट कार्ड जारी होते ही साफ हो जाएगा कि एग्जाम कब होना है। दरअसल इन पदों पर नौकरी पाने के लिए कई एग्जाम होने हैं। सबसे पहले होती है आपकी एग्जाम, वो है सीबीटी फर्स्ट। सीबीटी मीन्स क्या है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है। सबसे पहले इसकी एडमिट कार्ड जारी की जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और गलत उत्तर देने पर 0.3 नंबर काट लिया जाएंगे। उम्मीदवार ध्यान दें कि जिन लोगों ने ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए आवेदन किया है, सिर्फ वे लोग ही सीबीटी में शामिल हो सकेंगे। इसमें क्वालिफाई करने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 12 अंक लाने होंगे। ओके, तो यही है, ये भी कुछ न्यूज है। परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्रों को सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में क्या है, निगेटिव मार्किंग लागू होगी। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर उम्मीदवारों के 0.33 अंक काट लिए जाएंगे और सीबीटी फर्स्ट 100 अंकों की होगी तथा सीबीटी सेकेंड जो है 120 अंकों की होगी। निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए छात्रों को केवल उन्हीं सवाल को बनाना है या जवाब देना है जिसका वो जवाब जानते हों। ओके, जिनका आप जवाब जानते हैं, जिनकी जवाब को अच्छी तरह से पता है, उसी की आप जवाब दें। ज्यादा गलत जवाब देने से उम्मीदवार का सिलेक्शन भी रुक सकता है। ओके, ये तो था आज का अपडेट। अब इसमें क्या है, क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा ये भी हम लोग जान लें। जनरल अवेयरनेस के इन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन देखे जाते हैं, जैसे करंट इवेंट्स ऑफ नेशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। मैंने एक वीडियो बनाया है, वो एमबीआई के लिए है। मैं अभी फिर इसके बारे में भी डाल रहा हूँ, रेगुलर क्लास चलेगी हम लोगों का। आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ इसका प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कराया जाए, तो प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कराया जाएगा एकदम स्टार्टअप से। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं, और हाँ सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह की न्यूज और क्या कर रहे हैं एग्जामिनेशन से स्टडी मटेरियल भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, तो ये है कुछ गेम्स स्पोर्ट्स आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, ये सब जनरल साइंस जो है क्लास 10th भी सीबीएसई से या फिर क्लास 10th की किसी भी साइंस को आप अच्छे से पढ़े, क्लास 10th तक की साइंस को देखना है। ओके, हिस्ट्री देखना है, सोशल इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ओके ये सारी चीज को देखना है, अच्छे से पढ़ना है। अब इस पे हम लोग डालेंगे। ओके, उम्मीदवार को एग्जाम सेंटर पर अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेकर पहुंचना है और अपना एक पासपोर्ट आकार का नया फोटो भी लगा लेना है। इसके साथ उम्मीदवार अपना एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी साथ लेकर एग्जाम सेंटर पे जाएंगे। ठीक है, इस सब चीजों पर ध्यान देंगे उम्मीदवार। इस चीज पर ध्यान देना देंगे कि परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जाना है, पूरी तरह प्रतिबंधित, जैसे कि मोबाइल, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयर प्लग, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी जैसे सभी उपकरणों परीक्षा हॉल में प्रतिबंधित होंगे, इसका ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छे से तैयार करें और एग्जामिनेशन में सक्सेस हो। और आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ इस पे क्या आप लोगों को चाहिए मेरी तरफ से मदद, मैं इसका प्रैक्टिस सेट भी डालूंगा और स्टडी मटेरियल भी 1 by 1 तुरंत हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, मेहनत करेंगे रेगुलरली हो जाएगा। कि होमवर्क देता जाऊंगा मैं, आप उसको करते चलेंगे और उसका फिर हम लोग टेस्ट लेते चलेंगे, टेस्ट भी प्रैक्टिस करते चलेंगे, टेस्ट सेट भी, तो कोई नहीं रोक पाएगा, इस बार पक्का जॉब मिलने वाली है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। तो ये करेंट न्यूज थी, मैंने आपको दिखा दिया आज की करेंट न्यूज, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी कैसे क्या क्या पूछते हैं इसमें, एग्जामिनेशन में क्या क्या चाहिए, किस तरह से ले जाना है, और सीबीटी 1 के बारे में बता दिए कितने मार्क्स का, सीबीटी 2 कितने मार्क्स का, कितने मार्क्स में क्वालिफाई, किन किन लोगों को क्वालिफाई करना है, कैसे होगा, तो आप इस सब चीजों पर ध्यान दें। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे,
सब्सक्राइब करने से इस तरह की आपको वीडियो मिलते रहेंगी, और लाइक जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलती है वीडियो डालने में। ओके, चलिए, बाय बाय।